नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। तिलक नगर नई दिल्ली श्री गीता भवन मंदिर के प्रांगण में जरूरतमंद लोगों के लिए आंखों के किसी प्रकार का भी इलाज लगातार रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली वेस्ट व अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णकार संघ ट्रस्ट द्वारा फ्री आंखों की जांच पर इलाज किया जा रहा है। आंखों की जांच मेगा आई चेकअप कैंप डॉक्टर सरोफ चैरिटेबल आई हॉस्पिटल के नेतृत्व में डॉक्टर वेद प्रकाश तथा अनेक डॉक्टरों की टीम जिसमें कुमार रख हरे डॉक्टर रफ फातिमा तथा ओटी के स्टाफ सलोनी हिमांशी रावत नेहा सिंह साक्षी चौधरी ने आज के प्रोग्राम को सफल बनाने में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णकार संघ के प्रधान सोमनाथ आष्टा रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली वेस्ट के रोहित सेठ सुभाष वर्मा विनय गुप्ता अरुण रोकटा तिलक नगर श्री गीता भवन मंदिर के प्रांगण में आंखों की निःशुल्क जांच व ऑपरेशन की तारीख दी गई। आपको बता दें कि आंखों की हर समस्या की दवाई ऑपरेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। इस प्रोग्राम में लगभग सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखें चेकअप करवाई। इस प्रोग्राम के बाद कई लोगों ने अपने विचार और रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली वेस्ट तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष सोमनाथ आष्टा का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद किया। इस प्रोग्राम में बॉलीवुड के गायक मनेन्द्रास सिंह माही गायिका रजनी कपूर तथा अनेकों लोगों ने भजन गाकर निःशुल्क कार्य कर रहे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आज मंदिर के प्रांगण में हमारे भाई साहब सोमनाथ जी ने ये प्यारा सा आई कैंप लगाया है और भगवान के चरणों में आई कैंप लगाया है ताकि सब भगवान की ब्लेसिंग मिले और अपनी आंखों का टेस्ट भी कराएं और भगवान का आशीर्वाद पाएं और भाई साहब का भी साथ पाएं और राधा रानी और बाकी जय के चरणों में आज ये आई कैंप लगाया है मेगा आई कैंप। तो हम भगवान का धन्यवाद करेंगे। शाम के बिना तुम आदि तुम्हारे बिना शाम आदि श्री राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 श्री राधे 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 राधे। और मेगा कैंप के लिए हम अपने भाई साहब सोमनाथ जी आस्था जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे छोटी बहन है हम बहनों की तरफ से आशीर्वाद भी है और ब्लेसिंग भी है कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और ऐसे ही सभी क्षेत्रवासियों का भला करते हैं। जय हिंद जय भारत। जी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपने आपका। आज के इस आंखों के कैंप जो लगा रखा है उस संदर्भ में आपका क्या कहना है मैम? नमस्कार, मेरा नाम रजनी कपूर है। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगी ऐसे लोग समाज में भी बहुत होने चाहिए कि हमारे मंदिर गीता भवन में इन्होंने आई कैंप लगाया जिसमें बहुत लोगों ने फायदा उठाया और ऐसे ही हमेशा ऐसे अच्छे कार्य बच्चे होने चाहिए और उनको भगवान शक्ति दे कि ऐसे काम करते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम आप अपना परिचय दें और आज के कैंप के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम अनीता सागर है। जय श्री राम। जैसे हूँ सिंगर हूँ और आज ये गीता भवन में आई चेकअप कैंप लगा है मेगा आई चेकअप कैंप और ये हमारे बड़े भाई साहब आस्था जी सोमनाथ आस्था जी जिन्होंने ये रोटरी क्लब के साथ में मिलकर के आज ये कैंप लगाया है और मैं परमपिता परमेश्वर से इनके लिए प्रार्थना करूँगी दोनों भाइयों के लिए कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए इन्होंने ये कैंप लगाया है और ये ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहे हैं और लोगों का फायदा कराते रहे, लोगों से आशीर्वाद पाते रहे और हिंदुस्तान की जनता का ऐसे ही भला करते रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं रंजीत नारायण पिलर से बोल रही हूँ और यहाँ पे आइस कैंप लगाए लोगों का बहुत भला हो रहा है और सब लोग चलती करा रहे हैं इनके मैं बहुत आभारी रहूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आज के संदर्भ में जो आपने कैंप लगाया है आप आज इस विशेष प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करूंगा माँ भगवती का जिसने हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया और उन बहनों का भाइयों का जिन्होंने आकर इस कैंप में इस कैंप की शोभा बढ़ाई
अपना आंखों का चेकअप भी कराया और हमारा हौसला भी बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। आज जो आंखों का कैंप लगा रखा है सोमनाथ आस्था जी ने, आज के कैंप के संदर्भ में आपका क्या कहना है? समय निकालना जो है ना, ये बहुत ही मुश्किल है आज के डेट में। और भाई साहब जो है ना, इतना समय निकाल लेते हैं और समाज सेवा में लगे हुए हैं, ये हर के बस के नहीं है। समाज सेवा करना और अपना समय भी निकालना और पूंजी यानी कि पैसा, वो भी बहुत जरूरी होता है। वो भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सेवा कर रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरी इच्छा ये है कि मैं भी आगे, उत्तम नगर धर्मशाला है हमारी, भाई साहब भी जुड़े हैं वहाँ से, वहाँ भी एक लगवाने की कोशिश करेंगे हम इस टाइप के कैंप। और भी भाई साहब से सलाह करके हम जैसे भी है हमारे को उचित निर्देशन देंगे, उस हिसाब से हम आगे इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। और मेरी बेस्ट विशेष है भाई साहब को और यहाँ के जितने भी भाई साहब के साथ जुड़े हुए हैं सब प्रेमियों को, आगे ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे और समाज सेवा में लगे रहे। जय हिंद जय महाराज अजमेर जय हुसैन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आज के प्रोग्राम के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर अभी जो है कैंप लगाया है, ये ऐसी है कि इसी तरीके से सभी को कहूँगा कि सब ये समाज सेवा का कार्य करते रहे, यहीं पर सबको इससे फायदा मिलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काम के संदर्भ में डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल कुमार करे है। मैं डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे हम कम्युनिटी में जाके लोकल कैंप लगाते हैं ताकि लोकल लोगों को जो नीडी पर्सन हैं उनको हम सुविधा अपनी प्रोवाइड करवा सकें, उनको जो ऑपरेशन की ज़रूरत है वो हम लोगों को फ्री ऑपरेशन करवा सकें। एक डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल एक ऐसी संस्था है जो लोगों के लिए 1922 से लोगों के लिए काम कर रही है। कम्युनिटी में लोगों को कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऑपरेशन करवा के हमने लोगों को आंखों की सुविधा ऐसी दी है, आज वो नज़र अच्छी से पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम चंद्रा जी द्वारा संपन्न हुआ, ऐसे ही ये अपना सेवा कार्य करते रहे, इनको बहुत बहुत साधुवाद है। अपनी राष्ट्र के अंदर अपना व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, अपना राष्ट्र जीवन, जिन मुद्दों को भी हम देखें सभी सोमनाथ जी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और ऐसी सेवा कार्य समाज कार्य में लगे रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हम सभी जितने भी हमारे देशवासी हैं सभी कोई ना कोई सामाजिक भूमिका तय होनी चाहिए। आज ये सेवा कार्य सम्पन्न हुआ, सोमनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद। और सभी यहाँ पे जो जितने भी चिकित्सक यहाँ पे उपस्थित रहे उनको भी बहुत बहुत आभार। जय भारत। जय हिंद जय भारत। भारत जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस आँखों के कैंप के संदर्भ में आपका क्या कहना है? नमस्कार जी सभी को, मेरा नाम मनिंदर माही है, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर। तो आज सोमनाथ आस्था जी ने रोटरी क्लब के साथ मिलकर जो ये कैंप लगाया है, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे एरिया के या दूर दूर के जहाँ से भी आ सके लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को आस्था जी ने मेरा भी मेरे को बताया था तो मैंने भी जानकारों को बताया कि यहाँ कैंप लग रहा है और सारा निःशुल्क है। ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे एरिया में सोमनाथ आस्था जी का बहुत असर रहता है, हर जगह पे वो बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा देते हैं यानी भाग लेते हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि सभी हमारे एरिया के लोग यहाँ आके, आज 4 बजे तक हैं और 4 बजे तक जितने लोग आ सकें, हर एक चीज़ यहाँ फ्री है, सो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए।
और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ कैंप के बारे में और क्या मैंने जानकारी है आपको? ये जानकारी है कि जी यहाँ आँखों का जो भी हो रहा है ट्रीटमेंट जितना भी इवन ऑपरेशन का टोटली फ्री है। ये बहुत बड़ी बात है कि चेकअप होना कहीं से भी चेकअप करा सकते हैं मगर फ्री होना ये बहुत बड़ी बात है। सो आज के ज़माने में आंखों के कैंप का हमारे एरिया में लगना ये बहुत बड़ी हम भाग्यशाली हैं। सो मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग यहाँ आएँ अपनी आँखों को चेक कराएँ और फ्री बिल्कुल निःशुल्क ये सुविधा का आप आनंद लें। सो सोमनाथ हादसा जी का एक बार मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।